हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। हो सकता है बच्चे रात को देख रहे हो क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ सीएससीएस चेतन मलिक। जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस ली हैं या जिन लोगों ने नहीं ली हैं, बहुत डिमांड आ रही है। सर एक बार ये प्लीज बता दो कि लास्ट अब 2 दिन रह गए हैं, लास्ट के 2 दिन में हम लोग अपने फाउंडेशन की अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें, या सर आप कैसे करते थे? आपने इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे आपकी रैंक आई, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल में आपकी रैंक आई, थोड़ा सा हमें गाइड करो कि किस तरीके से हमें लास्ट के 2 दिन में पढ़ना चाहिए। तो मेरे सामने जब मैं ये बात करता हूँ कि लास्ट के 2 दिन में तक कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसको यूटिलाइज करें टू द फुलेस्ट, तो मेरे सामने 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है सर किस सीक्वेंस में चैप्टर को करें, चैप्टर्स को हम किस सीक्वेंस में करें। दूसरा सवाल ये आता है सर कैसे पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करें, सर लिख के करें ना करें, कैसे करें सर वो बताओ एक बार। तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले क्या करता था कि पहले बड़े टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता था कि ये चैप्टर पहले करूंगा इस तरीके से। पहले तो सीक्वेंस डिसाइड किया। सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद मान लो कोई भी एक्स वाई जेड चैप्टर है तो उसके अंदर मुझे करना क्या है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉपी पढ़नी है, बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना क्या है, मेन मुद्दा वो है। तो खैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैं ये दोनों मुद्दे आपके लिए सॉल्व करूंगा, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कैसे करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सेकेंड पॉइंट पे आप मेरे राइट में कल देख लोगे सीए इंटर में हम लोग बहुत दूर की क्लासेस आपके लिए आ रहे हैं। जैसे आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होगा उसके विदिन 1 वीक हम लोग सी एंटर की क्लासेस शुरू कर देंगे, दैट टू लाइव स्ट्रीमिंग। जी हाँ, बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, आप घर पे बैठ के मोबाइल पे लैपटॉप पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको उसके रिकॉर्डिंग के लिए अटेम्प्ट मिलेगी। और तीसरी बात, ओनली एट 5,000 रुपीज में सारी सुविधाएं आपको मिल रही है पर सब्जेक्ट। तो 8 पेपर आपके 40,000 के बहुत ग्रुप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग घर बैठ के आप देखोगे और अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे और लाइव क्लासेस तो होंगी होंगी। लाइव कभी किसी कारण मिस हो जाए तो आपको अनलिमिटेड व्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर मैं क्या करता, मैं अपने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है चीजों को करने में, 2-3 फैक्टर जो मेरे दिमाग में चलते हैं, एक तो टाइम कितना लगेगा किस चीज को करने में, दूसरा उसकी वेटेज क्या है, तीसरा एक बड़ा चैप्टर उठा रहा हूं तो साथ में एक छोटा उठा लूं। ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए मैंने पूरे फाउंडेशन के अकाउंट्स को 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहला स्लॉट है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है आपका ये वाला कि आपको सबसे पहले अपने 4 चैप्टर मेन उठा के चलने चाहिए, पार्टनरशिप, पूरा कंपनी, डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स। सर ये 4 चैप्टर क्यों? क्योंकि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि इन चारों में से आपको सवाल आ ही जाता है ज्यादातर। तो ये चारों के चारों चैप्टर उठाओ और इनको अच्छे से पढ़ डालो। सीक्वेंस सबसे पहले इन चारों को मजबूत करो। सीक्वेंस में बात बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं सीक्वेंस के बारे में कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को उठाओ। ये सीक्वेंस सबसे पहले आप पार्टनरशिप करो, कंपनी करो, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, 4 स्लॉट में अपने हिस्सों को बांट लो, अपने सिलेबस को बांट लो। सेकेंड स्लॉट उठाओ थ्योरी, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये क्यों उठाया आपने? क्योंकि जो पहला सवाल आता 20 नंबर का कंपलसरी, उसमें आपके पहले ट्रू फॉल्स आते हैं 12 नंबर के, उसके बाद 4-4 नंबर के 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, 20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसके अंदर हल्की फुल्की थ्योरी ऊपर ऊपर से पूछी जाती है, तो आप इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसमें हल्के फुल्के सवाल आते हैं और थ्योरी के साथ आप ये चैप्टर को निपटा देंगे, छोटे छोटे चैप्टर थे तो आपका ऐसा लगेगा आया मेरा आधा सिलेबस हो गया। सेकंड स्लॉट मैंने इसलिए बहुत चीज आसान डाली क्योंकि मन की तसल्ली भी बहुत जरूरी होती है, साइकोलॉजिकली भी आपको खेलना है। पहले शुरू शुरू में जोर ज्यादा होता है उसमें मैंने अपनी मेन वेटेज कवर कर ली, 20 से 15 से 25 नंबर कवर कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा थक जाते हैं तो मैंने उसमें आसान चीज उठाई। ये एक साइकोलॉजी है, सिर्फ आपको साइकोलॉजी के साथ खेलना है, सिलेबस ज्यादा उसको मैनेज करना है टाइम के अंदर। सेकंड चीज भी मैंने उठा ली बिल्कुल हल्की चीज, जो करने में टुच्चा लगा मेरे को, बहुत आसान लगा, जिसकी वेटेज अपने आप में 10-15-20 नंबर की है पर मुझे आसान लगा, मेरा हो गया। उसके बाद मेरे मन में थॉट क्या आया, मेरा आधा सिलेबस हो गया, टेंशन खत्म। उसके बाद मैंने फिर वो चैप्टर उठा लिए जो कि एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब ये है कि इनके आने के चांसेस तो हैं, इन चारों स्लॉट में से भी आपको 10 से 20 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा, ये उठा लिए। और लास्ट स्लॉट मेरा 80% पेपर था, वो लास्ट में मैंने उठा लिया कंसाइनमेंट और एनपीओ,
इनमें से आप चाहो तो जो भी चॉइस में कुछ छोड़ना तो नहीं, आपको छह सवाल आएंगे, आपको उसमें से कोई पांच सवाल करने हैं या एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना ही है, तो सर उसमें से हम ऐसा चैप्टर छोड़ेंगे ना जो हमने ट्वेल्थ में किया भी नहीं था, ट्वेल्थ में किया भी नहीं था या किया भी था तो उसमें ज्यादातर बच्चों का हार्ट टाइट रहता है एनपीओ के अंदर, तो सर इसको हम चॉइस में छोड़ देंगे, इसकी प्रेशर नहीं लेंगे हम अपने सर के ऊपर में का, ठीक सर अगर दो दो क्वेश्चन आए तब तो हम एक छोड़ेंगे, एक तो करना ही पड़ेगा, और सर अगर एक ही क्वेश्चन आए इन दोनों के अंदर से तो हम उसको छोड़ देंगे, बाकी को मजबूत करते हैं, लेकिन मैं आपको ये राय नहीं दूंगा इसको छोड़ने की, मैं आपको क्या बोलूंगा इस पे कम हाथ रखना, सर मेरा तो कंसाइनमेंट एनपीओ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात हो सकती, अच्छी बात ही नहीं हो सकती, तब तो आपको पेपर के अंदर पूरी ऑप्शन मिल जाएगी कंसाइनमेंट एनपीओ करूं पार्टनरशिप करूं कंपनी करूं, कई बच्चों का पार्टनरशिप वीक होता है कई का कंपनी वीक होता है, तो आपको इस तरीके से पहले सीक्वेंस बनाना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आप अपना इन चार चैप्टर को उठा के अच्छे से पढ़ डालो, सबसे ज्यादा वेटेज इनकी है, उसके बाद थ्योरी शुरू हुए 9 यूनिट्स हैं एज पर आईसीआर मॉड्यूल, लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी कैश बुक और एक्टिवेशन ऑफ बैलेंस सारे जर्नल लेजर से लिंक है, आप इसमें जर्नल को भी जोड़ सकते हो, बिकॉज ये क्लास 11th आपकी वो टुची वाली क्लास 11 जो बिल्कुल आसान है आपके लिए, आपको जर्नल एंट्री कोई भी पूछ लेगा आप बहुत आसानी से कर पाओगे, फिर ये उठा लो, ये करने के बाद क्या मन में फीलिंग आएगी, ये करने के बाद फीलिंग आएगी मेरा आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, उसके बाद ये एवरेज चैप्टर पहले उठाओ, इनमें से आसान आसान सवाल आते हैं ये चैप्टर पहले उठाओ, उसके बाद लास्ट में उठाओ कंसाइनमेंट और एनपीओ, ये मेरी सोच है, हो सकता है आप इनमें कुछ ऊपर नीचे करना चाहो शफल करना चाहो तो वो आपके ऊपर है, ये मेरी सोच है, पहला तो वह सीक्वेंस के हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा वेटेज कवर करी, उसके बाद हल्के चैप्टर उठाए, थोड़ा सा ना थके हल्के चैप्टर उठाए और मेरा आधा सिलेबस खत्म हो गया, फिर एवरेज चैप्टर मरे मरे चैप्टर, मेरा मेन हो गया मुश्किल चैप्टर और मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब ये मरे मरे से चैप्टर है ये मैं आराम से कर लूंगा, और उसके बाद ये दो चैप्टर है इनको मैं ऊपर ऊपर से करूंगा, अगर मेरा हार्ट टाइट है नहीं है तो मैं इसको भी डिटेल में करूंगा, सीधी सी बात, ये मेरा सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई करने का, ये मेरी सोच है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है, तो ये मुद्दा हुआ हमारे सीक्वेंस का, सर इसको रिवाइज कैसे करें, ऑप्शन वन या तो हमारी जो रिविजन वीडियो डली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्चुअली ऑप्शन वन दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आप यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोस डली है रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर उसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो सारे वीडियोस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाई है हमने सीए फाउंडेशन रिवीजन सीरीज के नाम से, हमारे चैनल पे आए प्लेलिस्ट में आए, वो प्लेलिस्ट आप देखें आपको सारा लॉ का पूरी अकाउंट्स की जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवाइज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, चुपचाप जो बच्चे हमसे पढ़े हैं अपनी बुक उठाएं, बुक के अंदर के सारे क्वेश्चंस उठाएं और बुक के अंदर राइटिंग में नहीं, बुक के अंदर ही अच्छा ये क्वेश्चन में ये था ये खुद को पढ़ाएं, अगर सबसे बेस्ट तरीका आज के डेट में पढ़ने का जो मैं पढ़ता था, जैसे एक चीज अगर मुझे आती है तो मैं वो खुद को पढ़ाता था, अच्छा इसमें ये होगा इसमें ये होगा इसमें ये होगा, उससे क्या होता है आप जब किसी चीज को किसी और को पढ़ा देते हो तो आप एक्सपीरियंस करो, आप जब कोई चीज आपको आती है और आप किसी चीज को पढ़ा देते हो किसी व्यक्ति को वो चीज तो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आप खुद को पढ़ाओ, अच्छा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है इसका ट्रीटमेंट ये होगा, बुक पर चेक करते रहो साथ साथ आंसर चेक करते रहो हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से आप अपनी आंखों के आगे सारे क्वेश्चन आंसर निकालें जितनी बार आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा आपका एक और जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं उसमें स्टार मार्क कर लें ताकि सेकंड टाइम में जब आऊंगा तो उन स्टार वालों को अच्छे से करूंगा, ये मेरा तरीका था पढ़ने का, सारे क्वेश्चन आंसर अपनी आंखों के आगे से निकालता गया कॉन्सेप्चुअली जितना मैंने बैच के दौरान पढ़ना था वो तो पढ़ चुका हूं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा क्वेश्चंस उठाए अच्छे से क्वेश्चंस उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया, रीडिंग लगे बुक में सारे टिक मार्क कर दिए, बुक में करना शुरू कर दिया, अगर मेरे कॉन्सेप्ट में ठीक है तो पर्टिकुलर उस चैप्टर की रिवीजन वीडियो उठाई वो देखी उसके बाद सारे क्वेश्चंस खोले और बुक में करने शुरू कर दिए, सर क्वेश्चन कौन कौन से करने जो बुक में आपके गिवन है इलस्ट्रेशंस पीछे के क्वेश्चन आंसर जितनी आरटीपी एमटीपी पास अटेम्प्ट जो आपके बुक के अंदर गिवन है जो हमने ऑलरेडी डाल रखी है चैप्टर वाइज वो आपको करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने जाने, गारंटी से कह सकता हूं 100% पेपर आपका उसमें से आपको मिलेगा, आज तक का पैटर्न रहा है वही बता रहा हूं ना, आपका फाउंडेशन पहली बार या दूसरी बार हो सकता है, हमें पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं तो हमारे हिसाब से आपको ये किताब करनी चाहिए, सर आपसे नहीं पढ़ा रहे हमने नॉर्मल किसी आप सेल्फ स्टडी करिए कहीं और से पढ़ा तो आपको कुछ मत करो, लास्ट के दिन में ICAI का मॉड्यूल उठा लो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है उसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाओ, दो बार तीन बार चार बार जो निकाले जा सकते हैं, और पास्ट अटेम्प्ट
जो कि आईसीआई की वेबसाइट पे गिवन है, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर जो आईसीआई की वेबसाइट पे गिवन है, उसको करो डाउनलोड, नहीं तो डाउनलोड करके मोबाइल में वो सारे क्वेश्चंस करके जाओ, 100% पेपर उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई टीचर बताता नहीं है, हम कहते जी हमारी बुक में से है, हमारी बुक का बेस क्या है, आईसीआई के मॉड्यूल्स, हम भी आईसीआई जो क्वेश्चन फ्रेम किए, जो चाहता है कि उनके बच्चे करें आईसीएम, जो एडमिशन लेने वो बच्चे वो करें, तभी आईसीएम अपने मॉड्यूल में डाल रहे हैं, हम भी वही क्वेश्चन आपको कराते हैं। लेकिन बड़े से बड़ा टीचर ये क्लेम करता है मेरी बुक में से पेपर आया, भाई हमारी बुक में से कोई पेपर नहीं आया, हमने भी हम कैसे बुक बनाते हैं, हम भी 3-4 उसके जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं पास करने जो आ रखे होते हैं या जो आईसीआई की इशूड आरटीपीज होते हैं जो आईसीआई के मॉड्यूल में होते हैं, उसको एक बेटर वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और बुक बन जाती है। तो जिन्होंने हमसे कोचिंग ली है बहुत अच्छी बात है, आप उन सारे क्वेश्चंस को अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाओगे, नहीं भी है तो आईसीआई का मॉड्यूल उठा लो, सारे क्वेश्चन आंसर अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाओ, कम से कम 2 बार, अभी 2 दिन है आपके पास, कम से कम 2 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाओ सारे क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस, पीछे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आरटीपी में जितने क्वेश्चन है कम से कम पिछले 3 आरटीपी आपको करके जानी चाहिए, पास अटेम्प्ट पेपर आपको उठा के सारे करने चाहिए, ये अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो 100% पेपर आपको रिपीट मिल जाएगा। तो पहला हुआ सीक्वेंस आपको ये फॉलो करना चाहिए, पहले ये चैप्टर को आप मैक्सिमम वेटेज है, फिर थोड़े हल्के हो जाओ, फिर एवरेज चैप्टर और लास्ट में उनको आप उठाओ और सारे क्वेश्चन करके जाओ। क्वेश्चन कैसे करते हैं, राइटिंग में अब करने का समय नहीं है, लास्ट के 2 दिन हम लोग पहुंच चुके हैं, राइटिंग करने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज थी, वहां पे आपने राइटिंग की होगी, प्रेजेंटेशन सब वहां चेक किया होगा। अब मेन टारगेट है ज्यादा बार, जितने ज्यादा क्वेश्चन और जितनी ज्यादा बार अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाऊंगा उतने ज्यादा मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे, बिकॉज जितने रिवीजन हम लोग करते हैं उतने ज्यादा ऑब्वियसली हमारे मन में चीज बैठ जाएगी, और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आता है तो मैं उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा। बस इतना सा आपको करना है, लास्ट के 2 दिन सारे क्वेश्चन आंसर अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाओ, मत छोड़ो एक भी सवाल, और आईसीआई का बेस अपने साथ लेके जाओ, सीधी बात ये है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको लास्ट के 2 दिन में पढ़ना चाहिए फाउंडेशन एग्जाम में। और भी जो रिवीजन वीडियोस अगर आपको लॉ की देखनी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे सारी रिवीजन वीडियोस डली हुई है सीए फाउंडेशन की, वो देखें। इस तरीके से हम लोग इंटर में भी एक प्लान लेआउट के साथ चलते हैं, इंटर में भी हम लोग रिवीजन वीडियोस लेकर के आते हैं, इंटर में भी इस तरीके से हमारी गाइडेंस पूरी रहती है टिल एग्जाम बच्चों के साथ। तो इंटर अगर आपको करनी है तो फाउंडेशन के बाद ही हम लोग अपना इंटर की क्लासेस शुरू कर देते हैं, रिजल्ट की वेट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, रिजल्ट का बहुत टाइम बीत जाता है, उसकी टाइम मैनेजमेंट मैंने एक वीडियो बनाई है, इसलिए फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट का वेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो उसको आप जरूर देखना कि हमें फाउंडेशन एग्जाम के बाद कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, रिजल्ट की वेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका लिंक है। रिविजन वीडियोज को आपको देखना चाहिए, और रिविजन वीडियो देखने के बाद आपको सारी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, नहीं समझे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत है, मेरे को अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस चैप्टर में दिक्कत है वो देख लो, उसके बाद क्या करो क्वेश्चन आंसर उठाओ और सारे अपनी आंखों के आगे से निकाल के आपको जाने हैं, सिंपल सी बात है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। लास्ट के 2 दिन में अगर ये प्रक्रिया आपने 3 से 4 बार कर ली, सर कैसे हो सकती है, मेरा मानना यह कि अगर आप मान लो सुबह 5, 6 या 7 बजे उठ जाते हो तो 7 बजे से लेके टिल लंच ये मेन टाइम लगाएगा आपको, तो इन चैप्टर्स को आप लोग 7 बजे से लेकर 2 बजे तक इन चैप्टर्स को आप निपटा सकते हो, 2 से 3 आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे, इनको करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। मैं मोटे मोटे रफ तौर पर एक बात बता रहा हूँ, 3 बजे से लेकर दोबारा 7 बजे तक या 8 बजे तक आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है। उसके बाद देखो ये मेरी सोच है, मैं इतना ही पढ़ता था, आपका सर हम तो नहीं एक्सपर्ट, ये मेरी सोच है, मैं इतना पढ़ता था, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, लास्ट के दिनों में अगर मेहनत नहीं की तो कब की। उसके बाद मैं होता था 8 से 10 या 8 से 9 ब्रेक लेता डिनर ब्रेक, उसके बाद रात को बैठ के, ज्यादातर बच्चों को रात को पढ़ने मजा भी आता है, तो 10 बजे से लेके 1 या 2 बजे तक मैक्सिमम मैं ये सारी चीजें पढ़ लेता। उसके बाद 2 बजे अगर मैं सो रहा हूँ, सुबह 5-6 बजे उठूँ, एग्जाम दिनों में बैठा है, मेहनत मेहनत की है, ऐसे इंटर लेवल पे मेरी रैंक आई है 10 NCA final level rank है 13 ऐसे rank नहीं आती मेहनत करनी पड़ती है मैं तो foundation का बता रहा हूँ inter level तो obviously stable थोड़ा सा tough होता होगा और foundation के मुकाबले और stable ज़्यादा भी था तो वहाँ पे मैं तो इतना पढ़ा हूँ दिन में यार आपको 3-4 घंटे सोया हूँ सिर्फ एग्जाम के दिनों में, और उन दिनों में अच्छे से मेहनत की, ज्यादा बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार अपनी आंखों के आगे से निकाल के गया हूँ। अभी तक तो ऑब्वियसली आपकी रिवीजन 3 से 4 बार हो जानी चाहिए थी, पर आखिरी के 2 दिनों में अगर आप 2 से 3 बार और कर लेते हो ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है।
मैंने आपको पहले बता दिया सीक्वेंस, किस सीक्वेंस पे पढ़ो, दूसरा बताया मैंने आपको क्या पढ़ो, तीसरा मैं मोटे मोटे तौर पर आपका एक रफ में टाइम टेबल बना रहा हूँ, और 10 से 2 ये पढ़ लिया सुबह उठ के, क्योंकि नॉनस्टॉप का पहला पेपर है, सबसे बढ़िया बात यह है तो आपको 2 दिन पूरे मिल जाते हैं। उसके बाद सुबह उठ के 7 से 9 मैंने इसको निपटा दिया, 7 से 10 इसको निपटा दिया, अगले दिन फिर मैंने 5-6 घंटे लगाए, 5-6 घंटे लगाए, अगले दिन मैंने इसको निपटाया, एक बार इसको निपटाया, एक बार इसको निपटाया, रात को मैं इसको निपटाया, सो गया। एग्जाम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन मेरा पेपर 2 बजे था, मतलब उसके पहले भी 3 से 4 या 5 घंटे मेरे पास होते हैं, उसमें आपकी इच्छा है आप इसको निपटाएं या जो आपको लगता है कि मुझे एक बार और, वैसे मेरे हिसाब से तो आपको इसको एक बार और करना चाहिए बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। पेपर में जाते ही आपको अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नंबर का पेपर जब आपका इजी अच्छे तरीके से हो जाता है, उसके बाद 10 से 20 नंबर का हो जाता है, आधा पेपर आप बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने इस बात पर भी एक वीडियो बनाकर डाली हुई है कि कैसे आप पेपर अपना 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है कि कैसे आप सीए फाउंडेशन का पेपर 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो वीडियो को जरूर 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 एक बार देखना। अब आपको करना है तो वो वीडियो देखो, 2.5 घंटे में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वो वीडियो देखो सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है पर सीए इंटर, उसके बाद एक वीडियो ये भी देखो कि हमारे जो रिवीजन वीडियोस डली हुई है उसको आप देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और कैसे आपने के 2 दिन को आपको यूटिलाइज करना है, पहला सीक्वेंस किस चैप्टर को पहले पढ़ें, इसको बाद में पढ़ें, और दूसरा क्या पढ़ें सर, पढ़ें क्या एग्जैक्टली। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आपको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ो सिर्फ 9 से, क्वेश्चन आंसर तो पढ़ने ही पढ़ने सारे सारे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ एक बार कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, कॉपी में आपके नोट्स हैं, आप उस कॉपी के नोट्स को पढ़ लो, और उसमें कम टाइम लगेगा, वीडियो देखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, उस कॉपी वाले नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर करके चले जाओ, ये आपके आते हैं 2 दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 2 दिन भी बोलूंगा 2.5 दिन लगभग आपको 2.5 दिन मिलेगा, एक तो एग्जाम वाला आता है उससे पहले 2 दिन आपको मिल जाएंगे, तो उस तरीके से आप ये कहानी कर सकते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा उस वीडियो को जरूर देखना कि कैसे आपको पेपर 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है, वो मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, उसको जरूर देखना कि कैसे आपको पेपर 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है, वो देखने से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टर होगा। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना पहला पेपर है, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि बहुत अच्छा पेपर हो, उससे और कॉन्फिडेंस मिलता अगले पेपर के लिए, पर 1% पेपर में कोई दिक्कत भी होती है तो कोई ऐसी आफत नहीं होगी, 3 पेपर हमारे और हैं, लास्ट पेपर तक, लास्ट दिन तक, लास्ट रिजल्ट वाले दिन तक हमें हार नहीं माननी चाहे कुछ हो जाए, बस इतनी सी बात है। 11th 12th आपने सारी पढ़ी हुई है, उसी का सिलेबस उसके फाउंडेशन में है, 11th 12th में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर से पास आप हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लोगों ने सीए हवा बना रखा, सीए मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपके सामने बैठा, मैंने सीए और सीएस एक साथ किया, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने अपना सीए और सीएस एक साथ किया, तो आप तो बहुत इजीली कर लोगे यार, आप तो हो सकते हो 90-80-70% वाले बच्चों में, तो बहुत लाइक था अपने जमाने में, फिर भी मैंने सीए सीएस एक साथ किया और बहुत अच्छे से किया। ठीक है जी, मिलते हैं सीए इंटर में, होपफुली आपका सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलेंगे हम लोग सीए इंटर के अंदर, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, टेक केयर, एंड जो भी मैंने वीडियोस कही है वो जरूर देख लेना, गॉड ब्लेस यू ऑल, पेपर अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक।